आदेश गुप्ता, दिल्ली बीजेपी चीफ, नाउ जॉइन्स अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस. 105 पे अभी नंबर है बीजेपी का. 15 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने एनसीडी पर जीत पाई है. 15 साल के बाद एक पार्टी जो 10 साल पुरानी है उसने बीजेपी को हरा दिया है, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, ऐसे आम आदमी पार्टी का कहना है. देखिए, अभी फाइनल रिजल्ट आने बाकी है. ये बात सही है कि कांटे की टक्कर है, 20 सीटों का फासला है, लेकिन अभी 50 के आसपास की सीटें, अभी उनके फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं. और आप देख रहे, निगम चुनाव में 10 और 15 वोटों की, 2 वोटों की भी जीत हार का अंतर है. ऐसे में जब फाइनल रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाएगी, मुझे पूरा विश्वास है. और जिस तरह से 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के लिए काम किया है, और 15 सालों की अगर एंटी इनकम्बेंसी देखें तो बहुत बेहतर काम, बेहतर रिजल्ट है. और जिस तरह हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, एक कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, टीम वर्क के साथ किया है, मैं समझता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में मेयर होगा, मुझे पूरा विश्वास है. जी, अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना था कि 20 सीटों से ऊपर भी सीटें नहीं मिलेंगी भाजपा को. एग्जिट पोल का भी कुछ यही कहना था कि जो जितने नंबर आम आदमी पार्टी को दिए थे सारे एग्जिट पोल्स ने, उन्होंने भी जो अंतर था बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वो काफी बड़ा था. उस हिसाब से जो अंतर अभी दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल अभी भी ट्रेंड्स हैं, काफी लीड्स हैं, विक्ट्रीज नहीं है, बट जो अभी दिखाई दे रहा है जो अंतर है वो उतना ज्यादा नहीं है. क्या आप ये कहेंगे कि इसका ये मतलब है कि अभी भी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भाजपा में विश्वास है दिल्ली के लोगों को? से 15 साल की इनकम्बेंसी थी, और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी भी दिल्ली वासियों का हाथ नहीं छोड़ा, कभी पीठ नहीं दिखाई है. और कई बार ऐसे मौके आए जब कठिन समय कोरोना का था, उस समय भारतीय जनता पार्टी मौजूद रही. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वासियों को, चाहे राशन हो, वैक्सीनेशन हो, दवाइयां हो, और दिल्ली के विकास के काम हो, उसमें मदद की है, और निगम ने भी काम किया है. और 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी आज कांटे की टक्कर दे रही है. कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिल्ली के लोगों का विश्वास अभी बना हुआ है, बरकरार है. हाँ, अगर कांटे की टक्कर है और कोई कमी रह गई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा करेगी. और मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि जब अंतिम रिजल्ट आएगा, जब रुझान रिजल्ट में परिवर्तित होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे. हमने मेहनत की है और दिल्ली वासियों का साथ, दिल्ली वासियों के लिए हमेशा हम करते रहेंगे, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, और हम अच्छा रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट आएगा और दिल्ली में बीजेपी का मेयर भी बनेगा. जी आदेश गुप्ता जी, नगर निगम का चुनाव है, इसमें लोगों के जो लोकल इश्यूज हैं वो रेजोनेट हो रहे हैं, ऐसे दिखाई पड़ रहा है. आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन जो था वो बिजली, सड़क, पानी, गार्बेज, इस पे कॉन्सेंट्रेट किया था, जहां की बीजेपी ने सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, उनके अलेज्ड करप्शन, उन चीजों पे अपना कैंपेन फोकस किया. क्या आपको लगता है कि जो रणनीति आम आदमी पार्टी की थी कि जो लोकल इश्यूज है, जो लोगों के इश्यूज है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने से उनकी ये जीत ज्यादा हुई है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नगर निगम में दिल्ली बीजेपी के लोगों ने अच्छा काम किया है, और इन्होंने बहुत से मुद्दे झूठ के आधार पे बनाए थे, और उन झूठ के आधार पे मुद्दे वो इनके सक्सेस नहीं हुए. ये तो बहुत सारे दावे कर रहे थे कि हम 230 सीटें लाएंगे और 20 सीटें भी बीजेपी को लेने नहीं देंगे, लेकिन आज दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है. हाँ, इतना जरूर है कि हमें अगर कांटे की टक्कर में हम थोड़ा सा पीछे है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने तक हमें इंतजार करना चाहिए. और जिस तरह की बातें इन्होंने कही थी, वो बातें इन्होंने खुद 8 साल में पूरी नहीं की, तो हमने इसलिए इनके करप्शन का मुद्दा उठाया था. आज देखिए, दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, जो शराब घोटाले के मुख्य आरोपी है, उनके विधानसभा की चारों सीटें बीजेपी ने जीती है. तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की नॉन परफॉर्मेंस और उनके भ्रष्टाचार और झूठ को लोगों ने सही रूप में लिया है, और उसका भी जवाब दिया है.
लेकिन फाइनल रिजल्ट आने तक हमें इंतजार करना होगा। जी, आप कांटे की टक्कर कह रहे हैं बार बार आदेश गुप्ता जी, इसलिए मैं पूछना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो ही एक ऑल्टरनेटिव है बीजेपी को, और ये फिर से एक बार प्रूव हो चुका है दिल्ली में, नेशनली भी यही होगा, कल जब हिमाचल और गुजरात के चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब भी यही दर्शाया जाएगा कि बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी की फाइट है, बाकी कोई भी इस बैटल फील्ड में है ही नहीं। क्या 2024 में भी यही दिखाई पड़ेगा, क्या आपको लगता है? राजनीति करते हैं, प्रचार की राजनीति करते हैं, लोगों ने इसको समझा है। कल जब गुजरात और हिमाचल के लोगों के दिल्ली के जो टैक्स पेयर है उनका पैसा इकट्ठा करके हर जगह अपनी राजनीति कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के अंदर विकास के काम करने चाहिए आम आदमी पार्टी को, पॉल्यूशन कम करना चाहिए, यमुना सफाई करनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, उसकी बजाय ये दिल्ली के लोगों का पैसा जो टैक्स पेयर है उनका पैसा दूसरे राज्यों में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए खर्च करते हैं, ये दिल्ली और बेहतर तरीके से देखेगी और इसका जवाब भी देगी। जी जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी मैं आदेश गुप्ता जी आपसे, बीजेपी का ये कहना है कि आपका शहजाद पूनावाला ने भी अभी ये जो ट्वीट किया है कि सत्येंद्र जैन का जो इलाका है वहां तीनों वार्ड में तीनों सीट में भाजपा की जीत हुई है, ये दर्शाता है कि आपका जो करप्शन का कैंपेन है वो रेजोनेट हुआ है। बट मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जो पटेल नगर का इलाका है वो आपका है, जहां तक हमें दिखाई दे रहा है चारों सीट भाजपा हार चुकी है। जी जी, देखिए जब जो रिजल्ट है वो स्वीकार करना चाहिए, और इलाका जो होता है वो विधायकों का होता है, प्रदेश अध्यक्ष का कोई इलाका नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तो पूरी दिल्ली का होता है, इलाका विधायक होता है, सांसद होते हैं तो उनका इलाका होता है, इसलिए प्रदेश दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है तो निश्चित रूप से उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की सवाल है, हमारे कैंडिडेट्स के प्रदर्शन का सवाल है, निश्चित रूप से हम इसका आकलन करेंगे। जी आदेश गुप्ता जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए हियर ऑन सीएनएन न्यूज 18। दैट वाज द दिल्ली बीजेपी चीफ देयर क्लेमिंग दिस इज अ मॉरल विक्ट्री, इवन दो दे हैड 15 इयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, दे स्टिल हैव मैनेज्ड टू मेक इट अ क्लिफ हैंगर इवन नाउ एज द फाइनल टैली स्टैंड्स, एज द टैली स्टैंड्स एज ऑफ नाउ नॉट इज द फाइनल टैली, वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टेट इलेक्शन कमीशन। Before now, the tally stands at 132 for the Aam Aadmi Party, 105 for the BJP. Remember, 126 is the halfway mark. For now, the Aam Aadmi Party seems to be past that. But these are still trends, these are still leads, and they still can keep changing until we have the final results. So the BJP there still going on to claim that this is a moral victory. And yes, we will introspect. But going on to say that the Aam Aadmi Party is not exactly an alternative and not exactly the challenger for the BJP at a national level. Having said